परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। बाइबल कहती है इब्रानियों 4:12 कि उसका वचन दोधारी तलवार है। आज मैं दो तरीके के लोगों से आपको मिलवाऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उससे पहले मैं वचन पढ़ना चाहता हूं ताकि आप उस वचन को समझ लें। हालेलुया। मत्ती 20:1-4 ध्यान से, जिनके पास बाइबल नहीं है वो प्लीज देखें स्क्रीन पर, और जिसके पास बाइबल है बाइबल लिखिए, और अपनी नोटबुक्स में आप लिखते जाइए जो मैं आपको कमेंट्स दे रहा हूं वो लिखते जाइए। हालेलुया। मत्ती 20:1-4 पढ़िए बेटा। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। अब देखिए स्वर्ग का राज्य की परिभाषा क्या है। स्वर्ग का राज्य इस ऐसे एक इंसान के बराबर है। हमें स्वर्ग के राज्य को समझना है कि स्वर्ग का राज्य है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग का राज्य कैसा होता है, तो इस वचनों के द्वारा आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। स्वर्ग का राज्य एक गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाग की बारी में मजदूरों को लगाए। दूसरा वचन, उसने मजदूरों से एक दिनार रोज पर ठहराया। अब उसने एक टाइप के मजदूरों को, कुछ मजदूरों से एक दिनार रोज, कि मैं तुम्हें भैया एक दिनार रोज का दूंगा, तुम मेरे घर में, तुम मेरे यहाँ जाकर दाग की बारी में मजदूरी करो। आगे, और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। आगे, फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। फिर कुछ देर के बाद एक दिन चढ़े दिन निकलकर कुछ देर के बाद एक घंटे के बाद दो घंटे के बाद वो फिर निकला और उसने देखा बाजार में कुछ बेकार लोग खड़े हुए थे। आगे, और उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतो वे भी गए। अब देखिए यहां पर दो टाइप की मजदूरी है, ध्यान दीजिए। पहले में उन्होंने मजदूरों को क्या किया, एक दिनार मुक्त की, मैं तुम्हें, आप मजदूरी करिए, मैं आपको एक दिनार एक दिन का दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो बाहर निकला तो उन्होंने और कुछ मजदूर और बुलाए और उनसे क्या कहा, जो कुछ ठीक होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। यहां पर उसने दिनार का, यहां पर उसने मजदूरी फिक्स नहीं की। पहले मजदूरों के साथ उसने मजदूरी फिक्स की, लेकिन इन मजदूरों के साथ उसने मजदूरी फिक्स नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यही होता है। अब क्या है कि जब आगे जाकर आप इस दृष्टांत को पढ़ेंगे तो वो एक घंटे के बाद और गया, दो घंटे के बाद और गया, शाम को 5 बजे भी गया, और उसके बाद जब उसने अपने मैनेजर से कहा कि जाओ जो जो मजदूर हैं उनको पैसा दो, तो आप जब पूरे इस आपको दृष्टांत को घर में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब उसने पैसा बांटना शुरू किया तो उसने अपने मैनेजर से कहा जो बाद में आए थे उनसे शुरू करके जो पहले आए थे उनको बाद में दो। प्रेज द लॉर्ड। और जब मैनेजर ने पैसा दिया जो बाद में आए थे, जो शाम को 5 बजे आए थे, जो शाम को 4 बजे आए थे मजदूरी कर रहे थे, जिनसे उसने मजदूरी फिक्स नहीं की थी उनको भी एक दिनार दिया, तो जो पहले सुबह 9 बजे आए थे उनको लगा कि हमको ज्यादा पैसा मिलेगा। भाई जो 5 बजे आया, जिसने 1 घंटे मजदूरी की है, जिसने 4 घंटे मजदूरी की है, हमने 8 घंटे मजदूरी की है, तो उसको भी एक दिनार मिला, तो वो लोग कुड़कुड़ाने लगे। उन्होंने कहा ये क्या बात है, हमसे आपने कहा था, हमने 8 घंटे किया है, आप हमें एक दिनार दे रहे हैं, जिसने 2 घंटे किया है उसको भी आप एक दिनार दे रहे हैं। तो जो गृहस्थ था, जो प्रबंधक था, जो मालिक था, उसने कहा मैं तुम्हारे संग क्या गलत कर रहा हूं, जो मैंने तुम्हारे संग निश्चय किया वो तुम्हें दे रहा हूं, अब दूसरे मजदूरों को मैं ज्यादा दूं या कम दूं ये मेरे ऊपर है, मेरी बारी है, मेरा पैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। दूसरे मजदूरों को क्यों बुरा लगा, अब हम देखिए। दो मजदूरों, जो पहला मजदूर था जिसको एक दिनार फिक्स किया था, और जो दूसरा मजदूर जिसे कहा था परमेश्वर ने, जिसे कहा था उस मालिक ने कि जो ठीक होगा तुम्हें मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पहले वाला क्यों कुड़कुड़ा रहा था, क्योंकि पहले वाला अपनी बुद्धि पर एतबार कर रहा था, अपनी ताकत पर एतबार कर रहा था। वो कह रहा था कि देखा मेरी ताकत का मुझे एक दिनार मिलने वाला है, मेरी बुद्धि का मुझे एक दिनार मिलने वाला है, इसलिए वो कुड़कुड़ा रहा था।
उसे लग रहा था कि मैं अपनी बुद्धि से कमा रहा हूं, मैं अपनी ताकत से कमा रहा हूं। लेकिन जो दूसरा वाला था, जिसको परमेश्वर ने क्या कहा कि जो ठीक होगा तुझे दिए जाएगा, उसने क्या किया? उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, समझिए, जब आप अपनी बुद्धि पर भरोसा करकर परमेश्वर के राज्य में काम करते हैं तो आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, आप कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करके अपने जीवन को निभाते हैं, काम करते हैं, समर्पित करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो आप उस पर भरोसा करते हैं, इसलिए आप उन आशीषों की तरफ देखते हैं जो आपको मिलती है। चाहे छोटी आशीष है उसके लिए भी आप धन्यवाद देते हैं, चाहे बड़ी आशीष है आप उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। जो अपनी बुद्धि पर भरोसा करता है वो धन्यवाद नहीं देता, क्योंकि मैंने काम किया, मैंने काम किया। हेलो, ये कई मसीहों में होता है। आप जब धंधा करते हैं, आप जब मेहनत करते हैं, आप समझते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं धंधा चला रहा हूं, मैंने अच्छा काम किया, मैंने आज समोसे अच्छे बनाए, मैंने उसका मसाला अच्छा बना, मैं ऊंची आवाज में बोला, मैं इस गली से निकला, तो ही मेरा धंधा आज अच्छा हुआ। और एक कहता है कि नहीं, मुझ में कोई बुद्धि नहीं है, मुझ में परमेश्वर ने बुद्धि दी तो मैं उसका मसाला बना पाया, मुझे परमेश्वर ने आशीष दी तो मुझे अच्छे हाथ मिले जो मेरा सहयोग कर रहे हैं, जो मेरा साथ दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे शक्ति दी ताकि मैं आवाज लगा सका, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी ताकि मैं उस रास्ते पर जा सका जिस रास्ते पर परमेश्वर ने बरकत रखी थी। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर पर भरोसा करते हुए निकालते हैं, हर काम मेरे भाई मेरी बहन जो हमें मिलता है वो परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है, हम अपने आप कुछ नहीं ले सकते। हम समझते हैं कई बार कि हमने बुद्धि, हम अपने बुद्धि से काम करेंगे, हमारे पास ताकत है, हमें इंग्लिश आती है, हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास कॉन्टैक्ट है, हम ये कर सकते हैं। मेरे भाई, बहुत है लोग जो पढ़े लिखे हैं और घर में खाली बैठे, बहुत पढ़े लिखे लोग, MBA बड़े बड़े मैं आपको दिखा दूं, इतने बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो घर में खाली बैठे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े हैं, उनको कम तजुर्बा है, एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। ये किसका आशीष है? परमेश्वर का। ये किसकी कृपा है? परमेश्वर की। वो जब चाहता है तो आपकी आपके रास्ते खोल देता है, आपको बुद्धि देता है, आपको समझ देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए इफिसियों 2 का 8-10 क्या लिखा हुआ है? इफिसियों 2:8-10 उसमें क्या लिखा हुआ है कि अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा हमें उद्धार मिला है। पढ़िए बेटा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। वचन को समझिए, अनुग्रह से सबका उद्धार हुआ, यीशु मसीह सबके लिए मरा। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 3:16 जो कि बहुत अच्छा वचन है, सबको याद होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह पूरे जगत के लिए मरा, यीशु मसीह पूरे जगत के लिए मरा, लेकिन नष्ट कौन नहीं होगा? जो विश्वास करेगा। उद्धार कौन पाएगा? जो कोई विश्वास करेगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो कुछ नहीं पाएगा। इसलिए क्या लिखा हुआ है कि अनुग्रह सबके लिए हुआ। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह सबके लिए हुआ क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से उद्धार नहीं हुआ है, साथ में क्या लिखा हुआ? विश्वास।
यीशु मसीह सबके लिए मरा है। आपने विश्वास क्या किया है? अभी आप देखिए, आपका जो विश्वास है कि साहब यीशु मसीह प्रभु है, मुझे चंगाई देता है, मुझे आशीष देता है, लेकिन एक तरफ आप बपतिस्मा नहीं ले पा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि अभी भी आप दो नाव में पैर रख के चल रहे हैं, अभी भी आप समझ रहे हैं कि नहीं जो मैं कर रही हूं वो अच्छा है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास नहीं है। उसका अनुग्रह है, उसने आपको चर्च में ले आया, लेकिन उद्धार कौन पाएगा? जिसका अंदर विश्वास है। यीशु से कौन मिलेगा स्वर्ग में? जिसके अंदर विश्वास है। इसका नाइन्थ क्या है? नवा पढ़ो। और न कर्मों के कारण ऐसा न हो। और न कर्मों के कारण, कई लोग कहते हैं मेरे कर्मों के कारण, मैंने अच्छे काम किए तो मुझे प्रभु मिल गया, मैं पवित्र था इसलिए मुझे प्रभु मिल गया। कर्मों के कारण आपको आपका उद्धार नहीं हुआ है, यह परमेश्वर की कृपा है, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, कोई घमंड नहीं कर सकता कि मैंने यीशु को पाया है मेहनत करके, मैंने यीशु को पाया है पवित्रता का आशीष पाकर। नो, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं पा सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक परमेश्वर की कृपा नहीं होगी। दसवां पढ़िए। क्योंकि हम सब उसके बनाए हुए हैं। क्योंकि हम सब उसके बनाए हुए हैं। हेलो, हम सब उसके द्वारा बनाए हुए हैं, हम अपने आप नहीं बने, हम इस धरती पर आए हैं उसके अनुसार, क्योंकि हम सब उसके बनाए हुए हैं। आगे, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हेलो, उत्पत्ति से पहले उसने हमारे लिए काम तैयार किए हैं। आपके जीवन में आप अच्छे काम पता कब करते हैं? जब आप विश्वास करते हैं, तभी तो उसकी आशीष आपके जीवन में आएगी, तभी तो उसके उसकी जो प्रोमिसेस हैं आपके जीवन में लागू होना शुरू हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब आप विश्वास करेंगे तो आपका रिश्ता मजबूत होगा, जब आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की योजना आपको समझ में आने लगेगी कि परमेश्वर की योजना क्या है, और जब परमेश्वर की योजना आपको समझ में आने लगेगी तब वो योजना आपके जीवन में काम करने लग जाएगी, और आप उसे देखेंगे अपने जीवन में काम होता हुआ। आप अपने जीवन में उसको देखेंगे काम होता हुआ। तो ये दाग की बारी में दो लोग थे, एक थे ऐसे मजदूर जिनके लिए मुकल्लर की गई थी कि साहब एक दिनार आपको एक दिन में मिलेगा, और कुछ ऐसे मजदूर थे जिनके लिए कहा था जो ठीक होगा तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन वो लोग दूसरे तबके के लोग थे, वो ज्यादा खुश थे जब उन्हें पैसा मिला, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर भरोसा नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया। अगर हम यूसुफ और उसके भाइयों की कहानी को देखते हैं, आप ध्यान दीजिए, यूसुफ के भाइयों ने अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से अपने भाई को बेच दिया। क्या कहा उन्होंने आपस में? किसको बेच देते हैं, वहां से पैसा मिलेगा, पैसे को अपन यूज करेंगे। हेलो, यूसुफ के भाइयों ने अपने भाई यूसुफ को अपनी बुद्धि से उसने धोखा दिया, उनको मारा कूटा और उसको बेच दिया, इश्माइलियों के हाथ में, मैदानियों के हाथ में बेच दिया। प्रेस चले हाले भैया। और उन्होंने क्या सोचा कि देखा हमने इसको अपने रास्ते से हटा दिया, तो यानी कि वो अपनी बुद्धि से अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन यूसुफ ने क्या किया? जो उसे गुलामी के वस्त्र मिले, जो उसको दासत्व के वस्त्र मिले, उसने नम्रता से स्वीकार कर लिया। Praise the Lord। ये दूसरे तबके के लोग थे कि जो ठीक होगा तुम्हें दिया जाएगा। वो जो थे ना मजदूर जिनको उस मालिक ने कहा था कि जो ठीक होगा तुम्हें दे दिया जाएगा, यूसुफ को जो मिला उसके लिए उसने धन्यवाद किया। Praise the Lord।
इसलिए जो उसके भाई थे वो कुड़कुड़ा रहे थे, वो टेंशन में थे, 20 साल तक तनाव में थे, पाप में थे, दोष की भावना में जीवन बिता रहे थे। लेकिन यूसुफ उस दासत्व के जीवन में भी वो शांति का जीवन बिता रहा था, क्योंकि उसने उस पर भरोसा किया था। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ मेरे भाई मेरी बहन कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, रोमियो 8:28, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर काम भलाई ही उत्पन्न करता है। जिस दिन आपने इस चीज को समझ लिया और जिस दिन आपने इस वचन को समझकर अपने जीवन में उतारना शुरू किया और जिस दिन आपने विपत्ति में भी कहना शुरू कर दिया कि जो परमेश्वर करता अच्छा ही करता है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपकी विपत्ति आनंद में बदल जाएगी। यस, आनंद में बदल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप परमेश्वर के योजनाओं को नहीं जानते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हेलो। जिस दिन हम परमेश्वर के हर कार्य को, जिस दिन हम हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे ना, आपके जीवन में जो चीजें विपरीत हैं वो पक्ष में आ जाएंगी। आपको पता है इज़राइलीज जो थे वो कनान देश क्यों नहीं जा पाए? अगर वो मिस्र से निकल पाए, मिस्र से निकलकर सिने जंगल में वो आए, प्रेज़ द लॉर्ड, और सिने जंगल से कादेश बर्निया कनान देश तक वो नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? कभी आपने सोचा है? क्योंकि मिस्र से जब वो निकले थे तो उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया और जो परमेश्वर कहता गया वो उसके अनुसार चलते गए, तो वो सिने जंगल तक आ गए। लेकिन सिने जंगल से कनान देश का जो रास्ता है उन्होंने परमेश्वर की उपेक्षा में बिताया। अगर सिने जंगल से कनान देश का भी रास्ता वो उसी तरह से बिताते जिस तरीके से मिस्र से निकलकर वो सिने जंगल से आए थे, तो वो आसानी से वो कनान देश में पहुंच सकते थे और जल्दी पहुंच सकते थे। कई बातों में हम परमेश्वर को मानते हैं, जब हम शुरू शुरू में आते हैं परमेश्वर के राज्य में, जब हम शुरू शुरू में परमेश्वर के बनते हैं, जब बनते हैं तो हम परमेश्वर की हर बात को मानते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब हम बड़े होने लगते हैं तो हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। हेलो। आहिस्ता से जब हम बड़े होते हैं हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, फिर हम उस वचन को अपने अनुसार चलाते हैं, फिर हम परमेश्वर से कहते हैं कि तू हमारे साथ चल, तू हमारे अनुसार चल। जिस तरीके से वो इज़राइली मिस्र में अपना सिने जंगल पे कह रहे थे कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वो चल। आपको पता है तकरीबन 25 लाख लोग थे और उनमें बुजुर्ग होंगे कम से कम 6 लाख, उनमें बच्चे होंगे कि तकरीबन 6 लाख। उन मां बाप ने 38 साल जब वो सिने जंगल में रहे, 38 साल परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी इब्राहिम से, अगर आपको याद होगा, खतने की वाचा। इन इसराइलियों ने 38 साल तक उस खतने की वाचा को नहीं निभाया, जानबूझकर नहीं निभाया, क्यों? वो उपेक्षा कर रहे थे, वो अगेंस्ट थे, वो अपना क्रोध दिखा रहे थे परमेश्वर को कि हम सही, हम आपके, आप जो कर रहे हैं उससे खुश नहीं है। जैसे कि ये जो मजदूर थे ये खुश नहीं थे
जब मैनेजर ने इनको अपनी मजदूरी दी तो इन मजदूरों ने कहा कि अरे भाई हमने आठ आठ घंटे काम किया, आप हमें एक दिनार दे रहे हो, जिसने एक घंटा काम किया वो भी आप उसको भी एक दिनार दे रहे हो। यानी कि इनको और उपेक्षा थी, जबकि इनसे वादा कितना किया था, कितना वादा किया था, एक दिनार का। जो वादा किया था परमेश्वर दे रहा था। हेलो, आपसे जो वादा किया है वो परमेश्वर दे रहा है। कभी कभी आपके साथ जिसे आप लाते हैं प्रभु में वो आपसे जल्दी आगे बढ़ जाता है। जिसे आप सुसमाचार सुनाते हैं, जिसे आप वचन बांटते हो, और वो आपसे ज्यादा आगे बढ़ जाता है। और एक पल आता कि आप खुद ही ईर्ष्या करते हो, अरे मैं इसे लाया, क्या समझ रहा है, ये वर्षिप भी कर रहा है, प्रचार भी कर रहा है, वचन भी बांट रहा है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। मैं उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, उसने परमेश्वर से मांगा, उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके, उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। आप परमेश्वर को कैसे देखते हो, आपका नजरिया क्या है? प्रेज द लॉर्ड। वो लाजर कोड़ी के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। उसे क्या मिला, आप सोचिए। कोड़ी, उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, उसके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी। रोज उसके जो जानने वाले थे उसे वो धनी व्यक्ति की चौखट पर रोज छोड़ जाते थे, ताकि जो उसकी मेज से गिरता था उसको लेता था। लेकिन बाइबल बताती है कि जब वो मरा तो स्वर्गदूत आकर उसे ले गए और स्वर्गलोक ले गए, इब्राहिम की गोदी में। और जो धनी व्यक्ति था जब वो मरा तो वो अधलोक गया। क्यों? क्योंकि वो जो लाजर था वो परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आनंदित था। उस मेज से गिरे हुए टुकड़े को वो जब वो खाता था तो धन्यवाद देता था। प्रेज द लॉर्ड। वो धन्यवाद देता था जो मिला है, मुझे एक रोटी मिली है, धन्यवाद। मैं सच कह रहा हूं मेरे भाई, जिस दिन आप दुकान में बैठे हो, 12 घंटे आप दुकान पे बैठे हो, और आपका मान लीजिए आपको सिर्फ 100 रुपए की इनकम हुई हो, मैं आपको सच कह रहा हूं, दिल से धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद पिता। आप देखिए आपकी मजदूरी बढ़ेगी, आपकी बरकत बढ़ेगी। मत कहिए कि अरे यार 12 घंटे बैठने के बाद प्रभु आपने ये दिया मुझे, ये इससे दुकान का खर्चा निकालूं या अपने घर का खर्चा निकालूं, क्या करूं? नहीं, यही तो प्रभु चाहता है कि तू मुझे कैसे देखता है। यानी कि तू मुझे 100 रुपए में नाप रहा है, मैं तेरे पास कुछ नहीं होगा तब भी तुझे अद्भुत आशीष दे सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझे कुछ नहीं से बहुत कुछ बना सकता हूं। आप किस, आप देखते कैसे हैं? आप जानते नहीं परमेश्वर आपको निहारता है, परखता है कि मेरा बच्चा मुझे देखता कैसे, पर मेरा जो बच्चा है मेरे वचनों को कैसे समझता है, कैसे अपने जीवन में लेता है। प्रेज द लॉर्ड। वो धनी आदमी जिसके पास रोज नया नया खाना, रोज नए नए ड्रेसेस, सब कुछ था उसके पास, लेकिन जब वो नरक में गया तो भीख मांग रहा था। और क्या कह रहा था इब्राहिम से, कि इब्राहिम अगर ये बात सच है तो प्लीज मेरे भाइयों को जाकर बता, क्योंकि वो भी मेरी तरह जिंदगी जी रहे हैं। मेरे भाई, हमें वो जीवन जीना है जिसे परमेश्वर चाहता है।
हमेशा हमें उस पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को बिताना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा उस पर भरोसा रखते हुए हमें बिताना है, हमें अपनी बुद्धि से नहीं करना है। याकूब और एसाव दो भाई थे, इसाक के बच्चे थे, और याकूब ने क्या किया आपको सब कुछ पता है स्टोरी, अगर आप पढ़ेंगे तो 28, 29, 30 अगर अध्याय पढ़ेंगे आप उत्पत्ति में तो आपको पता चलेगा उसने धोखा दिया, उसने अपने बाप को धोखा दिया, उसने इसाक को धोखा दिया और एसाव की सारी आशीषें अपने ऊपर ले ली। याकूब जो कि इसाक का बेटा था, इसाक कमजोर हो गया था और इसाक ने एसाव से कहा था कि दुजा जंगल में शिकार करके ला और बना और मुझे खिला, मैं तुझे आशीष दूंगा। याकूब ये बातें सुन रहा था, उसने भेष बदला, इसाक के कपड़े पहने और धोखे से उसकी कमजोर नजर का फायदा उठाया इसाक का और वो सारे आशीष ले लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, और वहां से चला गया। आप सोचिए क्या किया उसने, बुद्धिमानी से काम किया कि देखा कैसे मैंने उसका अधिकार ले लिया, कैसे मैंने उसकी आशीषें ले ली। लेकिन बाइबल क्या कहती है, जिस नियत से तुम बोगे उसी से काटोगे, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। कुछ दिनों के बाद वो हारान देश में गया और वहां पर उसका मामा था लाबान, लाबान और लाबान की दो बेटियां थीं, एक थी राहेल और एक थी लिया, और याकूब को राहेल पसंद आ गई और याकूब राहेल से प्यार करने लगा और उसने लाबान से कहा कि मैं तेरी बेटी से शादी करना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है, देखिए मैं पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा। जेनेसिस 29:18-30, जेनेसिस 29:18-30 पढ़िए बेटा। इसीलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। अब लाबान से वो बोल रहा है याकूब कि मैं तेरी छोटी बेटी राहेल से जिससे मैं प्यार करता हूं उसके लिए 7 साल तक मैं तेरी सेवा करूंगा। आगे लाबान ने कहा, उसे पराए पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा। हाँ, लाबान ने कहा कि उसे पराए पुरुष को देने से अच्छा है मैं तुझको दे दूं। आगे इसीलिए मेरे पास रहे और तुझे मैं राहेल को दे दूंगा। आगे याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की। याकूब ने 7 साल तक राहेल के लिए सेवा की। आगे और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। हाँ, वो इतना प्यार करता था कि वो 7 साल यूं ही गुजर गए। आगे तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसको उसके पास जाऊंगा क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। हाँ, उसने लाबान से कहा, देख लाबान मैंने 7 साल बिता दिए हैं, 7 साल मैंने सेवा की है राहेल से, अब तू मेरी राहेल को पत्नी के रूप में मुझे दे दे क्योंकि मैंने वो मेहनत कर ली है। आगे अतः लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्य को बुलाकर इकट्ठा किया। अब लाबान ने सब लोगों को बुलाया, जितने वहां पर बहुत मुखिया थे, जितने बड़े लोग थे, सबको बुलाया और शादी का निमंत्रण, शादी के बारे में बात की। आगे और एक भोज दिया। एक भोज होता है, भोज के समय बताते हैं कि भाई इसकी शादी में इसके संग कर रहा हूँ, मेरी अपनी बेटी में इसको दे रहा हूँ, तो ये भोज के समय उन्होंने आकर बताया। आगे साँझ के समय वो अपनी बेटी लिया। अब देखिए क्या बोया था उसने, याकूब ने क्या बोया था इसाक के सामने, धोखा। क्या बोया था उसने, धोखा, अपने भाई को धोखा दिया था उसने और वो समझ रहा था कि मैंने भाई को धोखा देकर बहुत कुछ हासिल कर लिया। अब देखिए क्या होता है, सांझ के समय वो अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले आया। सांझ के समय, उस समय ऐसी लाइट्स नहीं होती थी, उस समय दिया होता था, धीमी धीमी लाइट्स होती थी, तो सांझ के समय शादी करने वाला था याकूब किससे, राहेल से,
लेकिन हारान जो था, लाबान जो था, वो अपनी बेटी, बड़ी बेटी लिया को लेकर आ गया आगे, और वो उसके पास गया, और वो उसके पास, याकूब उसके पास गया। लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा दी। अब उसने, लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसके शादी के लिए दे दिया और साथ में उसकी दासी भी दे दी। आगे, भोर को मालूम हुआ कि ये तो लिया है। भोर को, सुबह हुई, उजाला हुआ तो याकूब को पता चला, अरे ये तो राहेल नहीं है, ये तो लिया है। आगे, इसीलिए उसने लाबान से कहा, हाँ? ये तूने मेरे साथ क्या किया है। ये इसीलिए लाबान से उसने कहा कि तूने मेरे साथ क्या किया है, लेकिन वो भूल गया कि उसने अपने भाई के संग क्या किया था। उसने अपनी बुद्धि से काम किया कि देखा, मैं अपनी बुद्धि से अपने बाप के द्वारा कहे हुए सारे आशीष ले लूंगा। क्या बोया था उसने? धोखा। क्या मिला उसे? धोखा। हम समझते हैं कि हम किसी को धोखा देंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा, छुपा रहेगा, लेकिन बाइबल क्या कहती है? जो काम तुम अंधेरे में करोगे उसे मैं उजाले में दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, हम अपनी अपनी बुद्धि से नहीं, अगर याकूब परमेश्वर पर भरोसा रखता, अगर याकूब अपनी मां रेबेका से कहता कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, जो मेरे लिए आशीष परमेश्वर ने रखा है मुझे वही चाहिए, अगर वो धोखा नहीं दे तो क्या उसे धोखा मिलता? नहीं मिलता। क्या होता? परमेश्वर की बुद्धि उसके जीवन में काम करती है। आपको धोखा क्यों मिलता है? ये नियम है, आप जो देंगे वो पाएंगे। जैसे नाप, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। वचन कहता है तुम कुड़कुड़ा के दान दशांश डालोगे, तुम्हें बरकत कुड़कुड़ा कर ही मिलेगी। याद रखो, चैलेंज करता हूं मैं आपको, चैलेंज करता हूं, उदारता के संग, ईमानदारी के साथ आप अपनी आशीषों को परमेश्वर के राज्य में दीजिए। आप उदास, ईमानदारी के साथ आप दान दशांश डालिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, हजार गुना आपको वापस मिलेगा, हजार गुना, कोई कमी घटी नहीं होगी आपको। आप अगर धोखा दे रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर का पांचवा छठा बताओ, पांचवा छठा। इसलिए अब सेनाओं का यो यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। आगे, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुमने बोया तो बहुत लेकिन काटा बहुत कम। तुमने बीज तो बोए लेकिन फसल नहीं होगी, क्यों? तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। परंतु पेट नहीं भरता। मेहनत करते हो, तुम मेहनत बहुत कर रहे हो, पूरा परिवार मेहनत कर रहा है, सुबह से शाम तक आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन बरकत नहीं हो रही। प्रेज द लॉर्ड। आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे। पेट नहीं भरने का मतलब क्या है? आप में सेटिस्फेक्शन ही नहीं आ रहा है। आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, मेहनत कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। आप पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझ रही, क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आशीष आपके साथ नहीं है, क्योंकि बरकत का आशीष आपके साथ नहीं है। आपकी जेब में पैसे हैं लेकिन आपके अंदर शांति नहीं है, बेचैनी है, आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बरकत आपके अंदर नहीं है। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। तुम पर कहां कपड़े पहनते हो लेकिन गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। इसलिए जो आपकी कमाई है वो आपकी छेद वाली जेब में रहती है।
आप बहुत दिमाग से परमेश्वर के राज्य में बोने वाला जो पैसा है उसके आप चुरा लेते हो और वो क्या छेद में निकल जाता है, आपके ऐसे खर्चों में निकल जाता है जो आप कभी सोच ही नहीं सकते, ऐसे खर्चों में निकल जाता है और ना बरकत मिलती है। फिजूल के खर्चे आ जाएंगे, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, कहीं और से किसी रिश्तेदार का फोन आ जाएगा आपका बीमार है, आपकी बीवी का पति सॉरी आपकी बीवी का बाप, भाई बहन, आपके भाई बहन, कोई ऐसी खर्चे आ जाएंगे जिसको आपको करना ही पड़ेगा। आपके घर का फ्रिज खराब हो जाएगा, आपके घर की चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगी, सारे पैसे उसी में लग जाएंगे। आप कहेंगे अरे ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जेब में छेद है, क्योंकि आप पीते तो हैं लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है। मलाकी 3:9, प्रेस द लॉर्ड। मैं आपको बता दूं मेरे भाई मेरी बहन, जो मेरा तरीका है, मुझे कहीं से भी ब्लेसिंग, चाहे वो 2 रुपए मिलती है, चाहे वो 20,000 मिलती है, चाहे वो 2 लाख मिलती है, उसी समय 10% में परमेश्वर के राज्य में चर्च में बो देता हूं। उसी समय सेकंड नहीं लगाता, मैं ये नहीं सोचता कि इसका खर्चा इतना है, मेरे बेटे के स्कूल की फीस देनी है, अभी ये देना है, अभी कार की ये है देना है, नो, इसी समय जो प्रभु का है प्रभु का। और आज तक परमेश्वर का बहुत आशीष है, मुझे कोई कमी घटी परमेश्वर ने नहीं रखी है, जबकि मैं कुछ काम नहीं करता हूं, मैं सिर्फ प्रभु की सेवा करता हूं और चर्च से मैं कोई वो नहीं लेता हूं, सैलरी नहीं लेता हूं, घर की रोटी के लिए चर्च का पैसा नहीं यूज नहीं करता हूं। अद्भुत आशीष मिलता है, अद्भुत, क्योंकि मैं उस नियम को जान गया हूं। इसलिए वो क्या कहता है 3:9, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। मैंने जो कहा है तुम उसके हिसाब से नहीं, तुम समझते हो कि कोई नहीं देख रहा है, तुम समझते हो कि इस महीने नहीं देंगे तो अगले महीने देख लेंगे यार, नहीं, यही तो परमेश्वर चाहता। तुम चाहते हो कि यार उतना ही तो पैसा आया है जितना घर में चाहिए, ये तो जान पूछ के परमेश्वर कर रहा है ताकि परमेश्वर देखना चाहता है कि उस थोड़े में भी तुम विश्वासी हो कि नहीं हो। तुम्हारे पास अगर 10 रुपए आते हैं, अगर आप 10 रुपए में विश्वासी नहीं है और 10 लाख आएंगे तो कैसे विश्वासी बनेंगे आप? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप 10 पैसे जो परमेश्वर के हैं नहीं निकाल सकते तो 10 लाख में से 1 लाख कैसे निकालेंगे आप? नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए बोलता तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। मुझे बहुत दुख होता है कि सारी चीजें हमें पता है और उसके बाद बावजूद भी हम जान पूछ के ऐसा करते हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है। जितना उन्माद के साथ आनंद के संग परमेश्वर के राज्य में बोएंगे ना आप, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको उस बरकत में आशीष मिलेगी, आनंद मिलेगा आपको, आनंद की भरपूरी आपके जीवन में होगी। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कि चिंताएं नहीं आएंगी, ये नहीं कि आपके जीवन में परीक्षाएं नहीं आएंगी, ये नहीं कि संकट नहीं आएंगे, लेकिन वो ऐसे निकल जाएंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। पिछले 2 वीक से जो हमने चर्च शुरू किया अभी लॉकडाउन के बाद, हमारा एक कैमरा बंद था, ये वाला एक कैमरा बंद था, संतोष को मैंने दिखाया था, एक कैमरा बंद है, एक कैमरा को कैमरा उसको बुलाऊंगा मैं, अगर बंदे को जिसने लगाया था
वो कुछ ना कुछ इसको चेंज करेगा, उसका पैसा लेगा, दूसरा भी हो सकता है ठीक ठीक करे, उसका भी पैसा लेगा। और मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु दया कर, आज सुबह आया हूं और ये कैमरा अपने आप चल रहा है, आप जाके देखिए ये कैमरा चल रहा है। जिसने पिछले वीक देखा होगा नहीं कैमरा चल, आप देखो आज ये कैमरा चल रहा है। ये है मेरा प्रभु। मैं आपको चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं, प्रभु के साथ ईमानदारी रहिए हर क्षेत्र में। आप देखिए आपको इस माहौल में जो संसार में चल रहा है वहां से भी प्रभु कैसे उठाता है आपको, कैसे उठाता है। मुझे उठा रहा है, मैं जीता जागता हूं, मैं एक धर्मी इंसान हूं, मुझे परमेश्वर उठा रहा है। मुझे कभी परमेश्वर ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दिया, किसी के सामने नहीं। ये नहीं कि मुझे जरूरत नहीं होती पैसे की, मैं भी इंसान हूं, मेरे भी खर्चे हैं, मेरे भी फैमिली है, उसके भी खर्चे हैं। लेकिन आज मेरी पत्नी सामने बैठी है, मेरा बेटा बैठा हुआ है, कभी भी पूछ लीजिए मैंने इनके सामने कुछ चिंता जाहिर की हो कि यार ये अपने आप। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखा, छत्तीसगढ़ में एक पास्टर को मार दिया लोगों ने, कुछ लोगों ने, वो मोटरसाइकिल से जा रहा था उसको पीछे से मारा, उसका नाम विनोद है, वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। मेरे फोन पर मैसेज आया, कई ग्रुप्स में मैं हूं आया, और उसकी पत्नी का नाम आया, उसमें फोन नंबर भी आया। उसकी पत्नी अकेली रह गई है और उसकी 11 साल की बच्ची है, तो वो, उसका नाम सुनीता, वो बेचारी अकेली रह गई और उसका पति की डेथ हो गई, पास्टर था, लोगों ने मारा। मैंने उस बहन को फोन किया, मैंने कहा बहन क्या हुआ, मैं नहीं जानता उनको, कभी नहीं जानता, मेरे मन में परमेश्वर ने डाला, मैंने फोन किया, मैंने कहा बहन क्या हुआ, तो उसने कहा ऐसी ऐसी बात हुई थी पास्टर जी, ऐसा ऐसा हुआ और मेरा पति, उसकी डेथ हो गई। मेरे मन में परमेश्वर ने डाला, मैंने कहा बहन अपना अकाउंट नंबर भेजिए, थोड़ा बहुत जो परमेश्वर ने डाला मैं आपको भेजना चाहता हूँ। उसने भेजा अपना अकाउंट नंबर और मैंने उसको ब्लेस किया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ब्लेस किया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फ़ोन रखा, अपने अकाउंट से पैसा भेजकर मैंने फ़ोन रखा और विद इन ए 2 मिनट्स एक फोन आता है छत्तीसगढ़ से एक पास्टर का कि पास्टर मैं आपके वचन देखता हूँ यूट्यूब पर, हम लोग बहुत आशीषित होते हैं और हम आपके वचन को मैं सुनता हूँ और अपने कलीसिया में बताता हूँ। तो मेरी कलीसिया में 5,000 लोग हैं जिनको मैं आपका वचन हर संडे आप मुझे भेजते हैं और मैं आप उनको सुनाता हूँ, तो हम बहुत आशीषित हैं। आप प्लीज़ अपना अकाउंट नंबर भेजिए, हमको कुछ आशीष देनी है आपको। किसने किया सब कुछ है? किसने किया? मुझे पैसा किसने दिया था? मेरे मन में किसने डाला? उसके मन में किसने डाला? पास्टर के मन में? अब सोचिए, ये है मेरा पिता। आप उसके संग ईमानदार रहिए। नहीं चाहिए मुझे उसका पैसा, नहीं चाहिए मुझे 2,000, 2 लाख, 2-10 लाख, ऐसे नहीं चाहिए जिसमें प्रभु का आशीष ना हो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। करके देखिए, करके देखिए मेरे भाई मेरी बहन, आपका जीवन बदल जाएगा। वो आपका पिता है, आप क्यों सोचते हैं कि वो आपका भूखा मारेगा? क्या आप अपने बच्चों को भूखा मारते हैं क्या? लेकिन वो चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा पवित्र हो और ईमानदार हो। जब मूसा उस मोरे पर्वत पर आ रहा था, वो जलती झाड़ी में जब परमेश्वर थे, क्या कहा था परमेश्वर ने मूसा से?
क्या कहा था? अपने पांव की जूती उतार, क्योंकि यह स्थान पवित्र है। यानी कि पहला सबक परमेश्वर ने जो मूसा को दिया कि तुझे अगर मेरी सेविकाई करनी है, अपने आप को पवित्र बना। अगर तुझे मेरा चेला बनना है तो अपने आप को पवित्र बना। यह पहला सबक था मूसा के लिए, अपने आप को पवित्र करो। नहीं चाहिए इसका पैसा उसका, नहीं अरे नहीं 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 नहीं, मुझे मेरे पिता का आशीष चाहिए। और मैं आपको सच कह रहा हूं, उसमें अद्भुत आशीष है, अद्भुत, ना खत्म होने वाला खजाना है, ना खत्म होने वाला खजाना। आपको पता है, जब मैं घर से जाता हूं कोई चीज लेने के लिए, सब्जी लेने या फोन लेने या कुछ भी चीज लेने के लिए जाता हूं, सब जानते हैं जो मेरे घर में बच्चे आते हैं, कि मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मैं जा रहा हूं और जिस दुकान से मैं पैसा लूं, जिस दुकान से मैं चीज लूं, मैं उसके लिए आशीष का कारण बनूं। जो मैं पैसा उसे दूं, उसको आशीष मिले, उसको बरकत मिले। कभी भी इन गरीबों से जो आप रोड पर रहते हैं, इनसे पैसा कम मत कराइए। हाँ, जहां को लगे बहुत ज्यादा मांग रहा है वो ठीक है, लेकिन कोशिश करिए, प्रभु का प्रेम अपने अंदर बना के रखिए, प्रभु आपको अद्भुत आशीष देगा। इसलिए गर्व करना है हमें तो प्रभु पे गर्व करना है। अगर प्रभु पे हमने गर्व नहीं किया, गलातियों 6:14 में पौलुस कहता है कि मैं गर्व करता हूं तो प्रभु पे गर्व करता हूं। आपका जीवन, मेरा मकसद यही है कि मेरे कलीसिया में जितने भाई बहन आते हैं उनका जीवन बदले, आपकी सोच बदले, आपका नजरिया बदले, आपको आशीष मिले। अगर आपको आशीष नहीं मिल रहा है, अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, अगर आपके जीवन में आनंद नहीं है और आप कलीसिया में आ रहे हैं, तो किसका दोष है? क्या परमेश्वर का है? नहीं। अपने आप को जांचिए कि मैं कैसे चल रहा हूं, मैं कैसी चाल चल रहा हूं, मेरे घर में क्यों अशांति है, मेरे घर में क्यों ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ है जो मैं सही तरीके से जीवन नहीं बिता पा रहा हूं। क्या कहता है 6:14? पर ऐसा ना हो कि मैं किसी और बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं। अब मैं नहीं, मेरा नहीं रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, मुझे गर्व करना है तो क्रूस पर, क्योंकि क्रूस पर यीशु मसीह ने मुझे आजादी दी, क्रूस पर बलिदान दिया, क्रूस के द्वारा मुझे आशीष मिला, मुझे पापों शापों से मुक्ति मिली, क्रूस के द्वारा मुझे परमेश्वर की धार्मिकता मिली, मुझे पवित्रता मिली, उसकी आत्मा मिली, क्रूस के द्वारा। अगर क्रूस पर यीशु मसीह नहीं मरता तो आप आजाद नहीं होते, मैं आजाद नहीं होता। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, उस क्रूस पर हमें गर्व करना है और भरोसा परमेश्वर पर करना है, अपनी बुद्धि पर नहीं कि मैं ये काम जानता हूं तो मैं इसको कमा लूंगा। नो, हम कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं। आज सुबह तक मेरे पास कोई वचन नहीं था, मेरी पत्नी जानती है। रात को मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे कुछ वचन दे दे जो मैं सुबह अपने भाई बहनों के संग बांटूं। एक हफ्ते से मैं मांग रहा हूं और परमेश्वर ने सुबह उठते ही मुझे दिया। प्रेज द लॉर्ड, मांगिए उससे, वो देगा। वो आपकी जरूरतों को जानता है, वो जानता है कि आपको भूख लगती है, वो जानता है कि आपको किसी की कमी है, वो जानता है आप बीमार हैं, वो जानता है आपको दवाई चाहिए। वो पिता परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, उसकी बुद्धि अगम्य है।
आप ये मत समझिए कि वो मुझे समझेगा नहीं, मेरे हालातों को समझेगा नहीं। अरे नहीं, वो पिता है, आपके बोलने से पहले वो जानता है कि आप क्या मांगने वाले हैं, लेकिन वो चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे मांगे। आप उसके बच्चे तो बन जाइए। उसको पिता जब आप कहते हैं तो अपने मन को देखिए कि क्या वाकई में उसकी बच्ची हूं मैं, प्रेज द लॉर्ड, जिसको मैंने पिता कहा है। आजकल बहुत से ऊपरी रिश्ते हो गए हैं, डैडी डैडी डैडी, हर एक को डैडी बोलते हैं लोग। नो, पिता एक ही होता है। दिल से बोलिए उसको पिता, दिल से मानिए उसको पिता। और जिस दिन आपने उसको अपना पिता बना लिया, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपकी बुद्धि खुल जाएगी, आपकी समझ खुल जाएगी, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा और उसका आशीष आपके जीवन में काम करेगा। आप मांगेंगे नहीं, वो देगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, किसी से उम्मीद मत करिए, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ये विश्वास करिए, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और उसने जो भी योजनाएं आपके लिए बनाई हैं, वो हानि की नहीं है, लाभ की है। इसको अपने दिमाग में रखिए, वो कभी भी आपके लिए गलत नहीं करेगा। आपका विश्वास मुकम्मल होना चाहिए, चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। हालेलुया। अगर आपका वचन अच्छा लगा है तो जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, ईश्वर से जाइए।